नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे PIS। आज के दिनों के विशेष न्यूज पर जाने से पहले देख लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। पूरे देश में गर्व के साथ मनाया जा रहा हिंदी दिवस। अब रात में भी चलेगी सेफ ड्राइव सेफ लाइव अभियान। मछली पकड़ने वाली जाल से बनाई जा रही है दुर्गा की प्रतिमा। गणेश उत्सव विसर्जन में 24 घंटे में 40 लोगों की डूबकर हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में गर्व के साथ मनाया जा रहा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों जैसे काव्य गोष्ठी सम्मेलन आदि का आयोजन कर हिंदी दिवस पालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदी विश्व का प्राचीन समृद्ध और सरल भाषा है। यह भाषा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। इससे भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अच्छी बात है कि इंटरनेट पर 84% की दर से हिंदी यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। दुर्गा पूजा से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 वार्डों में 2 चरणों में किया जाएगा विकास। 10,92,00,000 रुपए का रखा गया है बजट। सिलीगुड़ी में कुल 47 वार्डों में से पहले चरण में 13 वार्डों में विकास काम किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में बाकी बचे हुए वार्डों में विकास काम होगा, जिसके लिए कुल बजट 10,92,00,000 रुपए का है। इस विकास काम में सबसे ज्यादा कार्य CPM के वार्ड में होंगे, जिनमें 32 नंबर वार्ड में 1,17,47,000 रुपए का काम होगा। यह जानकारी पर्यटन मंत्री गौतम देव ने टूरिस्ट लॉज में एक बैठक करके दी है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एवं SGDA के धन्यवाद जानाई जे आमरा शिलीगुड़ी पुर निगम 47 वार्डे आमरा नीड बेस्ड डेवलपमेंटर जोनो किछु प्रोजेक्ट आमरा दिए छिलाम এবং সেই প্রজেক্টের মধ্যে বেশিরভাগটাই আমরা বড় থেকে রেকমেন্ডেশনও ছিল। মোট 17 কোটি টাকার আমরা প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম। 17 কোটি টাকার মোট 28টা প্রজেক্ট। সেই 28টা প্রজেক্টের মধ্যে 2 দিন আগে আমার সাথে ফিরাদ হাকিম UD অ্যান্ড মিউনিসিপাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার তার সাথে ডিটেল ডিসকাশন হয় এবং তার আগে সুব্রত গুপ্ত দপ্তরের মন্ত্রী এবং SGDA-র চেয়ারম্যান SGDA-র CEO তাদের সাথেও কথা হয় এবং আমাদের অপোজিশন লিডার এবং কাউন্সিলররা তারাও কয়েকবার আলোচনা করে ফাইনালি আমরা যেটা স্যাংশন পেয়েছি আমরা খুব খুশি। ধন্যবাদ জানাই ডিপার্টমেন্টকে SGDA-কে যে 16টা প্রজেক্ট প্রথম পর্যায়ে তারা অনুমোদন দিয়েছে 10,92,00,000। গণেশ উৎসব বিসর্জন কে হর্ষ ও উল্লাস মে লাপরওয়াহি সে 24 ঘন্টে মে 40 লোগো কি ডুবকর হুই মৌত। ইয়ে ঘটনায়ে হুই হে দেশ কে অলগ অলগ কোনো মে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় কি ওর সে শুক্রবার কো উনকি গ্রেফতারি পর লগি রোক হটানে কে বাদ কলকাতা কে পূর্ব আয়ুক্ত রাজীব কুমার কো CBI নে শনিবার কো পেশ হোনে কো কাহা হ্যায়। CBI ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए शनिवार को पेश होने के लिए समन भेजा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने यह समन कोलकाता उच्च न्यायालय की ओर से शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक हटाने के बाद भेजा। अधिकारियों ने बताया कि CBI अधिकारियों की टीम समन देने के लिए कुमार के घर पहुंची। मौजूदा समय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID के पद पर कार्यरत कुमार उस विशेष जांच दल का हिस्सा थे, जिसे सरकार ने अन्य चिटफंड मामलों के साथ ही घोटाले की जांच के लिए बनाया था। माधरीहाट इलाके में वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए 35,00,000 रुपए का अवैध लकड़ी से बने फर्नीचर किया बरामद। माधरीहाट रेंज के रेंजर खगेश्वर कारजी ने
जानकारी देते हुए कहा कि फर्नीचर के विभिन्न दुकानों में अभियान चलाया गया एवं दुकानों के मालिक जब वैध लाइसेंस नहीं दिखा सके तो दो दुकानों से 35 लाख रुपए का फर्नीचर बरामद किया गया। हमारा माधरियाटे चारटा फर्नीचर शॉप अनलाइसेंस जैसे कोनो लाइसेंस नहीं एवं जी अवैध जिगलो मालपत्र जिगलो हमरा सीज करलम प्रॉपर कागजपत्र देखाइते पारेनी তাই আমরা চারটা ফার্নিচার ইউনিটকে টোটাল সমস্ত মাল আমরা শেষ করে নিয়ে আসলাম মাদির হাটে। আজকে আপনাদের এই রেটে কে কে ছিলেন আপনাদের সাথে? আমাদের সঙ্গে ছিলেন এডিও জলদাপুর ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট ডিভিশন ফরেস্ট অফিসার আর আমাদের এখানকার এসিএফ আর ছিলেন লঙ্কাপাড়া রেঞ্জ অফিসার আর ছিলেন নীলপাড়া রেঞ্জ অফিসার। আজকে যে কার্ডগুলো এবং ফার্নিচার গুলো উদ্ধার হয়েছে সেগুলো আনুমানিক কত টাকা মূল্যের হবে? আনুমানিক ধরুন 25 লাখ টাকা। ও আর একটা জিনিস বলো, বাদেরহাটে চারটা ফার্নিচার তো নয় বেলে ওখানে মানে দুইটা বলা আছে। জলপাইগুড়ি নাট্য বিদ্যালয়ে সংস্কৃতি মঞ্চ কি ওর সে শনিবার কো রবীন্দ্র ভবন মে নাট্যঞ্জন মঞ্চ উৎসব শুরু হুয়া হ্যায়। উৎসব কি শুরুয়াত जलपाईगुड़ी के प्रसिद्ध नाटककार अशोक भट्टाचार्य मनोजीत राय स्थित शेखर चक्रवर्ती वरुण भट्टाचार्य और शेखर मजुमदार की उपस्थिति में शुरू किया गया। विभिन्न नाटक दलों के प्रतिनिधियों ने संगीत के माध्यम से नाट्य उत्सव का उद्घाटन किया। ये नाट्य उत्सव 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चलने वाला है। मंचजन नाट्य उत्सव जलपाईगुड़ी नाट्य सांस्कृतिक मंच तार आयोजन द्वितीय वर्ष एखे जलपाईगुड़ी शहर সমস্ত নাট্যদলই এই মঞ্চজনের অংশীদার। এই উৎসবে 3 দিন ধরে প্রতিদিন 3টি করে 9টি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের 18টি নাটকের দল জলপাইগুড়ি শহরে সক্রিয় নাটকের দল তারা কিন্তু এই মঞ্চজনের সাথে যুক্ত, তারাও এই উৎসবের অংশীদার। এই দুটো কথা আমি বলিনি যে মঞ্চজন বা আমাদের নাট্য সংস্কৃতি মঞ্চ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটটা যে জলপাইগুড়িতে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য শতবর্ষেরও প্রাচীন, কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েক বছর ধরে নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। রবীন্দ্র ভবন দীর্ঘদিন সংস্কারের নামে বন্ধ ছিল, কোনো নাটক করতে পারতো, নাটকের দলগুলি চর্চা করতে পারতো না। আর্ট কমপ্লেক্সের স্টেজ ভেঙে যাওয়া, এসি না থাকা, আরও অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে জলপাইগুড়ি নাটকের দল ঢুকছে। তখন সবাই মিলে জলপাইগুড়ি শুধু নাটকের দল না, সাংস্কৃতিক চর্চার এই যে প্রতিবন্ধকতা দূর করবার জন্য আমরা একত্রিত হয়ে মঞ্চটি তৈরি হয়, জলপাইগুড়ি নাট্য ও সংস্কৃতি মঞ্চ। कालिम्पोंग जिले के गोरबाथान स्थित जलडाका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद पड़ा है बीमार। पिछले कई महीनों से नहीं है कोई डॉक्टर, नर्सों को भी नहीं मिल रही है वेतन। कालिम्पोंग जिले के गोरबाथान स्थित जलडाका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवस्था काफी खराब है। पिछले काफी समय से इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी डॉक्टर नहीं है और नर्स ही इस स्वास्थ्य केंद्र को चला रही है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र को चलाने वाली नर्सों को ही वेतन नहीं मिल रही है। इस इलाके में यह एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है और करीब 50,000 लोग इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है, क्योंकि अपनी चिकित्सा कराने के लिए यहाँ वे लोग आते हैं। रात के समय डिलीवरी, दुर्घटना होने या पर्यटकों को इंजर्ट होने पर भी इसी स्वास्थ्य केंद्र में सभी को लाया जाता है। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस स्वास्थ्य केंद्र को फिर से पुनः स्वस्थ किया जाए और डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। जलडाका पीएच में काम गरेको 2015 देखि को अनि मेरो साथीहरु पनि छ, आज उनीहरुको अफ हो हैन। अनि हाम्रो यहाँ विशेष डॉक्टर छैन हैन, धेरैवटा कुराको प्रब्लम छ। अनि यहाँनिर अब सिस्टर दिदीहरूले मात्रै गर्नु उनीहरूलाई कति साह्रो पर्छ होइन। यहाँको पब्लिकहरूले कहिले आएर ऱ्यागिङहरू त्यस्तोहरू पनि गर्छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ जसरी भए पनि यो न्युजद्वारा चाहिँ तपाईँले होइन उहाँ अब बङ्गाल सरकारलाई चाहिँ यो दिनुहोस् कि यहाँनिर यस्तो प्रब्लम छ होइन। यहाँ यति बेसी जनता छ, रिमोट एरिया बिना डक्टरमा यहाँ चलिरहेको छ होइन। अनि यहाँ दिदीहरू पनि गर्नुहुँदैछ, उहाँ सिनियर दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि हामीहरू पनि छ होइन। हामी 2015 यहाँ काम गरेको होइन, पैसा पनि पाउँदैन, हामी बिना पैसामा काम गरिरहेछ। अनि हामी यो भन्नु चाहन्छ कि हाम्रो सरकारलाई चाहिँ हाम्रो लागि झट्टैभन्दा झट्टै हाम्रो लागि केही पहल चाहिँ गरिदिनु भनेर। तपाईँको नाम? मन्जु राई। तपाईँ? म यहाँ झोलुङको, म यहाँ जिडिए स्टाफ हो।
मन्य अधिकारी भइहाले सुजित लामा गणेश सुनवार इन्दिरा चाहर निर्मला शर्मा निर्मला गुरुङ अप्सरा शर्मा सबि सबन बर्देवा तपाईको नाम? म अनुप गुरुङ, म गुरुबथान ब्लक युथ प्रेसिडेन्ट र आज हामी यहाँनिर जुन प्रकारले यो हस्पिटलको एउटा प्रब्लम छ, यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यहाँ डक्टर छैन। आजभन्दा अगाडि हामी केही दिन अगाडि गुरुबथान गएको थियौँ, गुरुबथानमा जतिवटा डक्टर हुनुपर्ने थियो त्यहाँ डक्टर थियो। यहाँनिर सिस्टरहरूले यो हेल्परहरूले बिना पैसा कतिजनाले एम्बुलेन्सको यहाँनिर अवस्था खराब छ, हेरिहाल्नुहोस्। एम्बुलेन्स छ, एम्बुलेन्सलाई मेन्टेन गर्ने कुनै छैन। एम्बुलेन्सको दुईवटा ड्राइभर हुनुपर्नेमा अहिले एउटा पनि ड्राइभर एट प्रेजेन्ट छैन। र यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट डक्टर, नर्सहरूले कुनै पनि पेसेन्टलाई राम्रोसँग रेफर पनि गर्नु सक्दैन, उहाँहरूलाई त्यति त्यो डक्टरको जस्तो त्यो एउटा पर्मिसन हुँदैन, उनीहरूले राख्नु सक्दैन। भनौँ भने एउटा यहाँ डेथ सर्टिफिकेट दिने अलाउ पनि छैन। कति टाइमदेखि यहाँ डक्टर? यो डक्टर कमसेकम 1.5 साल भयो, पहिला रेगुलर डक्टर हुन्थ्यो तर अहिले यहाँ डक्टर छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, सामने यो हस्पिटल बनिसकेको छ, नयाँ छ, यो पुरानो हस्पिटल हो। नयाँ हस्पिटल बनेर बिग्रिसक्नु आँटिसक्यो, यो हस्पिटल पनि ओपनिङमा छ। यो ओपनिङ नहुनुको कारण पनि यहाँ डक्टर छैन। जबसम्म डक्टर छैन ओपनिङ भएर केही पनि हुँदैन। 7 साल जस्तो भइसकिसक्यो र हामी यो न्युज च्यानलबाट होइन यो तर्फबाट चाहिँ हामी सुश्री ममता ब्यानर्जी सँगसँगै वेस्ट बङ्गाल गभर्मेन्टलाई यो बताउन चाहन्छौँ कि अब वा जिटिए यहाँ हाम्रो जिटिए पनि पर्छ र जिटिएलाई नि यो भन्न चाहन्छौँ कि यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो डक्टर र सँगसँगै जति पनि काम गर्ने हेल्परहरू छ उहाँहरूलाई पनि रिक्रुट हुनुपर्छ। र अब आउँदो जिटिएले जुन एउटा उयो प्रपोजल एउटा प्रोग्राम छोड्दैछ त्यसमा उहाँहरूलाई पनि पर्मिनेन्ट गराउनुपर्छ भन्ने एउटा हामी यो इलाकाबाट हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ। रायगंज कोअपरेटिव बैंक बोर्ड अफ डायरेक्टर के मसूद मोहम्मद नजीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है तृणमूल कांग्रेस। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन मसूद मोहम्मद नसीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है तृणमूल कांग्रेस। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने ही उन्हें निर्वाचित किया था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार पार्टी विरोधी कार्य के कारण पहले ही उन्हें पार्टी से बहिष्कृत कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके बाद किसे चेयरमैन बनाया जाएगा इसे लेकर चर्चा तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर दिनाजपुर के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी का काम नहीं किया और भाजपा नेताओं के संपर्क में भी रहे। जिला नेतृत्व की बैठक में उन्हें बैंक के चेयरमैन पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। ইনগেশন একটাই ছিল, একটা ছাড়া যাবে ছিল দলের যারা ছিল যে গত লোকসভা নির্বাচনেও দলের কাজ করে। তারপরে আবার বিজেপির সঙ্গেও যোগাযোগটা রেখেছে, একটা ভিডিও ক্লিপিং মারফত আমরা এটা দেখতে পারলাম যে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে নিয়ে একটা অনুরোধ করছে। এটা দেখার পরে আমরা দল থেকে একটা বলপুরে যারা ব্লক নেতৃত্ব আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আগে ওকে আমরা রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থেকে ওনাকে সরিয়ে দিই। সেই হিসাবে বলতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আপনি যেন আমার এই কথাটা আগে যে চেয়ারম্যান আছেন রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের আছেন তাকে বলি যে তুমি পদত্যাগ করো। আমি যেহেতু এবার বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে আমি বলেছিলাম সেটা বলেছিলাম যে আপনি যে পদত্যাগ করো এই পদের সিদ্ধান্ত সে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যেহেতু ওয়ার্কুকুর থাকে ওয়ার্কুকুর যারা দক্ষিণ দায়িত্বে আছে তারা দল থেকে বহিষ্কার করবে, সেটাকে যেহেতু আমি জেলার দায়িত্বে আছি
সেটা প্রেস মারফত জানিয়ে দেবো। আমারটা এই ভিডিও মধ্যে একটা ভাইরাল হয়েছিল, যেটার মধ্যে আমরা ওই টিচার সংগঠনের ব্যাপার ছিল, আমাদের যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক শিক্ষা বিচার কমিটির ফেডারেশনে আমি জেলা সভাপতি ছিলাম, আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্য সম্পাদক যেহেতু বিজেপি জয়েন করেছে, এই নিয়ে আমাকে আমাদের জেলার জেলা আমি সভাপতি হওয়াতে আমাদের জেলার সদস্যগণ আমাকে বলছে কী করা যাবে, এই নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছিল, আলোচনার মধ্যে একটা ভিডিও ভাইরাল সেটা নিয়ে আমার একটা ব্লেম হচ্ছিলো। তো আমি তাদের একটা প্রেস মিট আমি বলেছিলাম যে না ওটা তো পার্টি মিটিং না, আমি পার্টি জয়েন করিনি, আমি আমার ডিএম ফিরে আছি, আমি কোনো পার্টিতে যাবো না, ওই ভিডিওর জন্য আমাকে একটু সাইড করে সে আমাকে এখন ডাকে না। এই নিয়ে তো আমার মোটামুটি জেলা সভাপতি আমাকে ডাকছিল, হামিদুল্লাহ ডাকছিল, ওরাও বললো কি বলো না, আমি তো কোনো হয়নি, মানে কোর কমিটি যারা সদস্য তারপরেও ডাকা হচ্ছে না। আর বলছিলাম সরানো হতে পারে, হ্যাঁ আমিও শুনছি, কিন্তু আমাকে এরকম পার্টি কোনো নির্দেশ দেয়নি, পার্টি কোনো কিছু হয়তো আমাদের বোর্ড মেম্বারের মধ্যে একটা আলোচনা চলছে, কিন্তু আমাকে দল কিছু করেনি। লেতে হ্যায় ছোটা সা ব্রেক, ফির মিলেঙ্গে ব্রেক কে বাদ। ক্যা আপকে ঘর মে শাদি হ্যায়, কোই ফাংশন তো হোগা, তো উসকি ভিডিওগ্রাফি ও ফোটোগ্রাফি তো করওয়ানি হ্যায়। আজ তকনিক দিনো দিন বদল রহি হ্যায়, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए, तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स, सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है, शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मेदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाशसम्म रंग हो पिया यसको। PIS, Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97334-1141. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं, वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। ममता सरकार ने कर्मचारियों को दिया पूजा का तोहफा, लागू होगा छठा पे कमीशन, बढ़ेगा वेतन। बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को पूजा का तोहफा देते हुए उनकी वेतन वृद्धि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए न्यूनतम मूल वेतन बेसिक पे को बढ़ाकर 17,990 रुपए करने की बात कही है, जो पहले 7,000 रुपए था। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन अब 17,990 रुपए होगा। ग्रेच्युटी को भी 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। वामपंथियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना का विरोध करते हुए सिलीगुड़ी में निकाली गई विरोध रैली। वाम छात्र युवा संगठन द्वारा जो आंदोलन निकाला गया था, उस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला वामफ्रंट की तरफ से धिक्कार रैली निकाली गई। सिलीगुड़ी CPIM के पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन के सामने से युवा छात्राओं पर किए गए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में धिक्कार रैली निकालकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। यह रैली पार्टी कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न सड़कों की परिक्रमा कर वापस पार्टी कार्यालय के सामने आकर समाप्त हुई। इस रैली में अशोक भट्टाचार्य, जीवे सरकार, शंकर घोष सहित अन्य वामफ्रंट के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्तागण शामिल थे। राज्य सचिवालय नावन्न घेराव अभियान के दौरान वामपंथी छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का कुचबिहार CPIM नेता सुजन चक्रवर्ती जमकर कड़ी शब्दों में निंदा की है।
सीपीआईएम जिला कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन कर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मुख्यमंत्री के दलाली कर रही है। इस लाठीचार्ज में लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, इन्हें बर्बरता से पीटा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो किया वो घोर निंदनीय है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। পরার মুখ্যমন্ত্রী যত ঘনিষ্ঠ তত বেশি অপরাধী, মুখ্যমন্ত্রী যত ঘনিষ্ঠ তত বেশি অপরাধী, তত বেশি তাদের জেলে যেতে হবে। বেশি ঘনিষ্ঠতা যদি করতে চান তাহলে ভবিষ্যৎটা আপনার জেল। আমি এই নবান্নে যে পুলিশের অফিসাররা ছিলেন তাদেরকে একই কথা বলবো, আপনাদের সন্তান সম ছেলে মেয়েদের ওপরে আজকে যেভাবে লাঠি পেটা করেছেন ওই সব ছবি ধরা আছে, ওই সব ছবি ধরা হচ্ছে, বিপদে আপনাদের পড়তে হবে। এইরকম দিন বেশি দিন চলবে না। মমতা ব্যানার্জির দালালি করবেন, নবান্নরা দেখা করতে যাবে, দেখা করতে না দিয়ে পিটিও বার করে দেবেন, ছাল তুলে দেবেন, মাথায় মারবেন, হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন। যে অফিসাররা করেছেন তাদের নাম ঠিকানা আমরা জোগাড় করে রাখছি, ছবি তাদের ধরা আছে, সময়ে তাদের কাঁদাবে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে যে কাণ্ডটা করছেন। দয়া করে, দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অসভ্যতা আর বেশি করবেন না, অনেক করেছে, স্টপ ইট, স্টপ ইট। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি আপনি আপনার অ্যারোগ্যান্স বন্ধ করুন, বন্ধ করে পারলে ছেলে মেয়েদের ডাকুন, এই অন্যায় কাজ হচ্ছে, খালি বাজারে ভাষণ দিয়ে বেড়ালে হবে? আজকে বলছেন এনআরসি, তিনটে কথা আমার এনআরসি নিয়ে, আমার তিনটে কথা। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले 15 साल की एक नाबालिग को मालदा में रेड लाइट एरिया से किया गया बरामद। मालदा जिले के रेड लाइट एरिया में अभियान चलाकर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने बिहार के बेगूसराय के रहने वाली 15 साल की एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि पुलिस अभियान की भनक लगने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर के मालिक व सदस्य वहां से भाग निकले। पुलिस ने घर के मालिक के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के प्रकाश में आने के बाद मालदा में नारी तस्कर गिरोह के सक्रिय होने के बाद एक बार फिर सामने आई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राज्य शिशु सुरक्षा कमीशन की ओर से एक सोशल मीडिया ग्रुप है, इसी ग्रुप के किसी माध्यम से बिहार की उस नाबालिग लड़की की बिक्री करने के संबंधित जानकारी उन तक पहुंची। खोजबीन के बाद पता चला कि मुर्शिदाबाद में उस लड़की को बेच दिया गया है। खबर पे की ऑपरेशन हुआ आज की अपना इंग्लिश में बोली वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स WBCPCR बा शिशु राज्य शिशु सुरक्षा कमीशन। তো তাদের একটা আমাদের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা পরশুদিন একটা ইনফরমেশন পাই। সেই ইনফরমেশনটা আসে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, শিশু সুরক্ষা কমিটি মুর্শিদাবাদের কাছ থেকে, যে এরকম একটি সম্ভাব্য ঘটনা, একটি মেয়ে যাকে আমরা ইংরেজি পরিভাষায় বলি ভিকটিম গার্ল, তো তাকে হয়তো এখানে মালদায় তার ডেস্টিনেশন সে আসছে এবং তাকে যেন রেস্কিউ করা হয়। তো এই ইনফরমেশনটা আমাদের কাছে শেয়ার হয় এবং তাকে কোথা থেকে রেস্কিউ করা হবে, কোন জায়গা, স্বভাবতই সেরকম জায়গা আমাদের জানার প্রয়োজন ছিল। তো এ ব্যাপারে আমাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে বলা হয় একটি এনজিওকে এবং যারা জুডিশিয়াল সিস্টেমে কাজ করেন এরকম একটি সার্ভিস ট্রাস্ট, তো তাদের সাথে আমি যোগাযোগ করি এবং যোগাযোগ করার পরে ওনারা আমাকে বলেন যে ওনারা চেষ্টা করছেন যে পিন পয়েন্ট লোকেশনটা আইডেন্টিফাই করতে। তো আইডেন্টিফাই করতে পারা গেলে তারপরে পুলিশ অথরিটিকে জানানো হবে, পুলিশ অথরিটি এবার তারপরে তাদের অ্যাকশন। তো এবার যখন আজকে সকালবেলা আমরা জানতে পারি যে হ্যাঁ, মানে এক্স্যাক্ট আইডেন্টিটি আইডেন্টিফিকেশন যখন আমরা করতে পারি বা সেই লোকেশনটা, তখন আমরা পুলিশ অথরিটিকে জানাই। আইসি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্চ রেড টিম তৈরি করে দেন এবং সেখানে আমাদের যিনি উইমেন পিএসএর অফিসার ছিলেন চুঙ্কু ভুটিয়া ম্যাডাম, উনিও ছিলেন, উনি টিমটাকে লিড করেন এবং সেখানে গিয়ে সেই সার্চ অপারেশনটা এবং রেডটা হয় এবং সেখানে যে মেয়েটির কথা আমরা জেনেছিলাম সে অরিজিনাল মেসেজে, সে মেয়েটিকে রিকভার করা গেছে। উত্তর দিনাজপুর কে কালিয়াগঞ্জ থানে কি পুলিশ নে আব রাত মে ভি সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ অভিযান চালানে কি পহল শুরু কি হ্যায়, পূজা তক চলেগি ইয়ে চেকিং। রাত মে ভি কোই শরাব पीकर गाड़ी नहीं चलाए, इसी पर नजर रखने के लिए कालियागंज थाने के पुलिस ने नाका चेकिंग शुरू की है। दूरगामी लॉरियों सहित सभी तरह के वाहनों की नाका चेकिंग चल रही है। कालियागंज थाने से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के त्योहार के मद्देनजर प्रतिदिन रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यह नाका चेकिंग चलेगी। कालियागंज थाना ट्रैफिक पुलिस अधिकारी
प्रताप मिश्रा ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण चालक खुद का नुकसान तो करते ही है, साथ ही अन्य वाहनों के भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। इसी कारण जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाका चेकिंग शुरू की गई है। यह दुर्गा पूजा तक चलेगी। की करा হচ্ছে ততলা পূজোর আগে এখন আমরা ড্রাঙ্কিং ড্রাইভিং চেকিং করছি আমাদের বড় সাহেবের নির্দেশে। প্রতিদিন এই ড্রাঙ্কিং ড্রাইভিং চেকিং চলবে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের ব্যানারে। এইভাবে যদি গাড়ির চালকদের যেমন নিরাপত্তাটা দেখা হচ্ছে, সেই রকম পথচারী বা অন্যান্য গাড়িরও নিরাপত্তা এখানে আছে। কারণ এই গাড়িটা নিয়ে যদি মাল খেয়ে গাড়ি চালায় তাহলে রাস্তাতে হয়তো অন্য গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে বা পথচারীকে ধাক্কা মারতে পারে বা মোটর সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। এই জন্যই আমরা এইভাবে চেকিংটা করছি এবং এদেরকে ডিটেন করাচ্ছি। এখন এদের এগেনস্টে কেস হবে এবং কোর্টে প্রমাণ করা হবে। मछली पकड़ने वाली जाल से दुर्गा की प्रतिमा तैयार करने का कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन यह कार्य मालदा शहर के पुलिस कर्मी विष्णु चंद्र शाह ने कर दिखाया है। मालदा के कृष्ण कालीतला इलाके के रहने वाले है विष्णु बाबू और पेशे से राज्य पुलिस में होमगार्ड है। पिछले 5 वर्ष से वह विभिन्न थीम कर मूर्ति बनाकर ख्याति अर्जित कर रहे हैं। इससे पहले वह समाचार पत्र, नारियल के छोबले, कमला नींबू के छिलके सहित विभिन्न सामग्रियों से दुर्गा माँ की प्रतिमा बना चुके हैं। इसके लिए वह पुलिस प्रशासन तथा विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुके हैं। इस वर्ष उन्होंने मछली पकड़ने वाली जाल से दुर्गा प्रतिमा बनाई है। मालदा के 2 नंबर गवर्नमेंट कॉलोनी के बागा जतीन ब्लॉक पूजा मंडप में विष्णु बाबू की बनाई प्रतिमा के दर्शन होंगे। एक और पाकिस्तान चरमपंथी ग्लोबल टेररिस्ट किया गया घोषित। बेनजीर की हत्या व मलाला हमले में रहा शामिल अमेरिका ने तहरीर तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। उनसे 2007 में उसने अपना आतंकी संगठन बनाया था। इस संगठन ने पिछले 12 वर्षों में कई बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। अमेरिका ने उस पर $50 लाख यानी 35 करोड़ 48 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहे SK Live। आपका समय एवं आपकी खबर। धन्यवाद।